Hey guys, what's up? Welcome or welcome back to my channel. In today's video, I'm going to show you how I converted my room into my personal studio. So, let's get into the video. Okay, let's start with this section. तो basically यहाँ पे मेरी vanity और मेरा cupboard है जो अभी ऐसे का ऐसा ही है. यहाँ पे हमने कोई changes नहीं कराए थे. But now, moving on to this wall, ये wall मैंने divide कराई थी दो parts में, एक pink और green backdrop के लिए और एक अपना white और yellow backdrop के लिए. तो basically idea ये था कि YouTube की video shoot करते time, काफ़ी time ऐसा होता है कि backdrops की कमी महसूस होती है. तो ये सारी चीज़ें इसीलिए कराई हैं मैंने अपने रूम में, ताकि मुझे कभी भी बैकड्रॉप की कमी महसूस ही ना हो. इसके अलावा मेरा पूरा घर है, मैं कहीं भी शूट कर सकती हूँ. मूविंग ऑन टू द अदर वॉल, दिस इज द येलो वॉल विच इज़ लाइक इंस्पायर्ड बाय कैंडी लैंड सॉर्ट ऑफ थीम. फिर जब हम इस साइड आते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा मैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ अब आजकल यहीं बना रही हूँ. तो ये वाला सेटअप पूरा यहाँ पे है एंड दिस इज़ अ दीवान, ठीक है, जो मैंने थोड़ा सोफा कम बेड स्टाइल में बनवाया है. मेरा डबल बेड बाहर जा चुका है और इसके एडजेसेंट जो वॉल है दैट इज़ लाइक अगेन दैट कैंडी लैंड वाला वाइब्स, पूरा एकदम ऑरेंज और एकदम क्रीम में. तो अब सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं कहीं से भी शूट कर सकती हूँ एंड इट गिव्स मी अ डिफरेंट बैकग्राउंड एवरी टाइम. लेट मी शो यू, सी. शिट, एज आई वाज सेइंग, सी, प्लीज़ इग्नोर द मेस दैट यू जस्ट सॉ बिहाइंड माई डोर. This is one backdrop. Moving on, it's like a studio. Like you can move from backdrops. This is the other backdrop. अगर ऐसे बैठते हो तो इसका एक अलग look and feel आता है. If you are standing here, then it's different. If you are standing ऐसे कोने में, then it's different. And if you are standing here in the white area, it's different. Moving on to this, this is like completely different. And then यहाँ पे मेरा जो basic सा है, मेरा वैनिटी वाला. तो बेसिकली हमने पूरे रूम को ऐसे रिनोवेट कर दिया है एंड आई नो वीडियोस नहीं आ पा रही हैं उतनी फ्रीक्वेंटली जितना जो लोग यहाँ पे अब घोस्ट फॉलोअर्स नहीं रहे हैं वो या सब्सक्राइबर्स नहीं रहे हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. देखो, बात ये चल रही थी कि मैं ना जॉब में ना काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, मैं ऐसे इन्वॉल्व हो गई थी कि मैं अपना इंस्टाग्राम पे भी ध्यान नहीं दे रही थी, मैं किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही थी. और मुझे तुम लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है. ये मैंने जस्ट रियलाइज़ किया क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड एंड ही वॉज सेइंग के वाई आर यू नॉट मेकिंग वीडियोज़. एंड आई वॉज लाइक, यार पता नहीं क्या हो गया, मेरा मन ही नहीं करता है. बट अभी जैसे मैंने ये ट्राइपॉड उठाया है वीडियो शूट करने के लिए और अभी जैसे मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे जस्ट हिट किया है कि वाई एम आई नॉट मेकिंग वीडियोज़. सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़, I am switching my job, I would say, and it's like a very nice place that I'm going to. I'll show you guys once I join over there. बाकी उसके अलावा life में कोई नया update नहीं है. और room में जो पूरा ये खर्चा हुआ है, इसका पूरा जो paint था ये सारा plastic paint है basically. तो that was around 25k. Then this bed was around 12k. देन ये जो सारा सजावट का सामान फ्रॉम Amazon, लोकल वेंडर्स कलेक्टेड, ये सारा मतलब पूरा मलाम लूक है. आई स्पेंड लाइक 50,000 ऑन दिस रूम. तो अभी कल मेरी फ्रेंड आई हुई थी और मेरे दिमाग में ऐसे ही थॉट आया, यार मैं इसको सिंपल करा लूँ क्या पहले जैसा, क्योंकि मुझे अपना बेडरूम याद आ रहा है. ऑनेस्टली बताऊँ तो होता ही है कि अगर तुम्हारा रूम अलग है, स्टूडियो रूम और बेडरूम अलग है, तो तुम्हें एक फील आती है. बट अगर तुम स्टूडियो रूम में सो रहे होते हो ना, तुम्हें लगता है कि कहाँ बैठा हूँ मैं इतनी हौच पौच में. बट आई क्लीन इट टुडे वेरी वेल. तो ऐसा नहीं है मैं रोज़ क्लीन करती हूँ, ठीक है, मतलब आई क्लीन इट टुडे वेरी वेल का मतलब है यहाँ पे रिंग लाइट पड़ी हुई थी, ट्राइपॉड पड़ा हुआ था, वो चीज़ मैं बाहर रख के आई हूँ अभी वीडियो बनाने के लिए, वरना वो यूजुअली यहाँ पे खड़े रहते हैं. तो मैं यही सोच रही थी कि चेंज करा लूँ क्या, बट अभी मैं तुम लोगों को दिखा रही हूँ तो मुझे लग रहा है नहीं भाई, अब तो मैंने इसको इतना यूटिलाइज करा ही नहीं है, मैं इसको चेंज नहीं करा सकती हूँ. आई नॉट ऑल्सो यहाँ पे कट इसीलिए है क्योंकि मेरी स्टोरेज फुल हो गई थी और मैंने अभी कुछ फोटोज डिलीट करे हैं. तो हाँ, तो ये मेकअप लुक जो आप देख रहे हो, दिस इज बेसिकली इंस्पायर्ड बाई मोनिका गेलर फ्रॉम फ्रेंड्स और इसकी वीडियो इज अप ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल विच इज एट द रेट ये. तो फटाफट से जाना ये देख लेना, कल डलेगी पूरी डिटेल्ड वीडियो. आज एक बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन की डला है, वो भी चेकआउट कर सकते हो. उसके अलावा आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के महीने में एटलीस्ट 4 वीडियोज, दैट इज हफ्ते में एक वीडियो आए. शॉर्ट्स आई अपलोड डेली, जो वहाँ पे डलता है इंस्टाग्राम पे वही यहाँ पे डाल देती हूँ मैं. बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं डाल पाती, उसीलिए इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो, ठीक है.
बहुत बकबक हो गई है. आज के लिए बस इतना ही था. आई नो दिस इज अ वेरी स्मॉल वीडियो, बट देन अगेन पिकिंग अप द कैमरा एंड कमिंग बैक विद दैट एनर्जी दैट आई यूज टू हैव व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैनल वॉज अ ग्रेट डील ब्रो. लाइक आई हैव बीन थ्रू सम यू नो थिंग्स दैट आई डोंट नो जस्ट चेंज मी एज अ पर्सन. सो या and 2023 is about to end, so I'll try my best to upload one more video next week mein. So stay tuned for that, and jo bhi log dekh rahe hain subscribe kar dena. I'll try my level best to be consistent. Cannot promise anything, but I'll try. Baki love you all. Thank you so much for watching this video if you are a subscriber from 2022, I would say. So yeah, I'll see you guys in the next one. Till then, bye-bye.